हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बात करने वाले हैं आज हम अमावस्या की। अमावस्या आने वाली है 28 मार्च 2017 को। और दोस्तों ये ध्यान रखें कि आपको इस दिन बहुत सारी तांत्रिक रात्रि है, बहुत सारे उपाय हैं जिनको मैं बताऊंगी, उसमें से कोई भी उपाय करके आपको जो सूटेबल लगे वो करके आप अपनी जो भी मानसिक परेशानियाँ हैं, जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स है, पारिवारिक कलह है या आर्थिक जो प्रॉब्लम्स जा रही है दोस्तों, वो आप इससे सुधार सकते हैं। तांत्रिक रात्रि मानी जाती है अमावस्या दोस्तों, और ये मंथ का 38 डे होता है, कृष्ण पक्ष का लास्ट डे माना जाता है। और आपको पता ही होगा कि अमावस्या को पूरा चारों तरफ गहन अंधकार रहता है, इंग्लिश में इसको न्यू मून कहते हैं दोस्तों। और बहुत ही तांत्रिक रात्रि होने की वजह से इस दिन आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी उपाय करेंगे, वो बहुत जल्दी काम करती है। हर अमावस्या को सबसे पहला काम आपको ये करना है, पूरे घर का कोना कोना साफ करना है, और जो भी कबाड़ आपके घर पे रखा है, पुराने सामान, फालतू सामान पड़े हैं घर पे, वो सारे आपको उस दिन पहले साफ करके बाहर कर देने हैं। इसके बाद आपको तुलसी को दिया जलाना है। तुलसी पे सुबह और शाम दोनों टाइम आपको दिया जलाना है। असीम धन की प्राप्ति होती है, ऐसा करने से विष्णु भगवान का वास होता है तुलसी में दोस्तों, तो वहाँ पे दिया जरूर जलाएं। और एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, तुलसी और बिलपत्र अमावस्या के दिन नहीं तोड़ना चाहिए आपको। अगर शिवलिंग पे चढ़ाना या कहीं पे भी चढ़ाने के लिए चाहिए अगर तुलसी और बिलपत्र, तो आप एक दिन पहले तोड़ के रख लें। इस दिन जो भी आप उपाय करेंगे इतना शीघ्र फलदायी होता है, इसकी वजह से हम बहुत सारे आज आपको उपाय बताने वाले हैं, आपको जो सूटेबल होता है वो करें। एक तो अमावस्या को पितरों का दिन माना गया है, इसलिए इस दिन पितरों को, पहले पितर को आप प्रसन्न करें। अगर हो सके तो ब्राह्मण भोजन कराएं, किसी भी नीडी पर्सन को भोजन करा के वस्त्र आदि अपने पितरों के नाम का दान दें। नहीं तो गाय के गोबर के कंडे ले लें, उपले, कंडे, गोठा, जो भी आप कहते हैं वो लेकर उसमें शुद्ध घी और गुड़ मिला के घर पे धूप सुलगाएं। यदि घी और गुड़ नहीं है आपको आपके पास, तो आप खीर से भी धूप जला सकते हैं। जो भी संभव हो उस दिन तो घर में जो भी आपके ताजा भोजन बना हो उसमें उसको भी धूप देना है आपको। ऐसा माना जाता है कि उसको धूप देने से पितर प्रसन्न होते हैं। और धूप देने के बाद हथेली में पानी ले लें और अंगूठे के माध्यम से उस पानी को जमीन पे छोड़ दें। ऐसा करने से पितरों को तृप्ति होती है। तो अगर पितृ दोष होगा दोस्तों आपके घर पे, तो वो बहुत जल्दी दूर हो जाने वाला है। आपके जीवन में अगर ढेर सारी परेशानियां आ रही है, तो इस दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का भी बहुत महत्व होता है। सुबह स्नान करके आटे की गोलियां बना लें, गोलियां बनाते वक्त भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद किसी भी तालाब या नदी में जाके मछलियों को वो गोलियां खिला के आ जाएं। अगर आप चींटियों को, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिलाया हुआ आटा खिला सकते हैं आप, इससे आपके जो भी पाप होंगे वो क्षय हो जाते हैं और पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। ईशान कोण में आपको तुलसी में तो दिया जलाना ही है, ईशान कोण में गाय के घी का दिया जलाएं, और बत्ती में आप रुई के धागे की जगह लाल धागे का उपयोग करें, आप मोली का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर डाल दे दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का अचूक उपाय है। अगर हो सके तो हनुमान चालीसा, अगर आप हनुमान जी के उपासक हैं तो हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां जाकर के एक घी का दिया जलाएं। हो सके तो चमेली के तेल का चोला भी चढ़ा सकते हैं और एक हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। ये उपाय करने से माना जाता है जो भी मनुष्य की सारी मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण हो जाती है। अब आपको बताती हूँ दोस्तों एक उपाय, ध्यान से सुने। अमावस्या की रात को करीब 10 बजे नहा धो करके येल्लो कलर के आपको कपड़े पहन लेने हैं। इसके बाद नॉर्थ की तरफ मुख करके बैठ जाएं। नॉर्थ मतलब उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाएं। किस पे बैठना है, ऊन के आसन पे या कुश के आसन पे बैठना है आपको।
अपने सामने एक पाटिया लगा लें या चौकी लगा लें और एक थाली में केसर का स्वस्तिक बना लें या ओम बना के उस पे महालक्ष्मी यंत्र स्थापित कर लें। इसके बाद उसके सामने एक दिव्य शंख थाली में स्थापित करें, दक्षिणावर्ती शंख ले लें और एक छोटे से प्लेट में वो स्थापित कर लें। थोड़े से चावल को केसर में कलर कर लें, उसको दिव्य शंख के अंदर डाल दें, घी का दिया जला लें और फिर कमलगट्टे की माला से आपको एक मंत्र का जाप करना है, 11 माला का जाप करना है दोस्तों। कौन सा मंत्र है? एक माला 108 मंत्र की होगी, आपको 11 माला करनी है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति भुक्ति प्रदायनी मंत्र पूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। मंत्र जाप के बाद इस पूरी सामग्री को किसी भी नदी या तालाब में विसर्जन कर देना है दोस्तों। अचानक से धन लाभ की प्राप्ति के योग बनते हैं, बहुत ही अचूक उपयोग है, इसको आप कर ले दोस्तों और आप देखेंगे आपके घर में धन वर्षा के योग बन जाते हैं। जब भी मैं कोई उपाय या टोटका या कुछ बताती हूँ दोस्तों, धन वर्षा के योग बनते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कर्म नहीं किया, आप मेहनत नहीं करेंगे और बोलेंगे कि मैम ने पूजा बताई थी मैंने वो कर ली, धन वर्षा के योग बन गए। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले कुछ लोग कहते हैं मैम कुछ हुआ ही नहीं, आप मेहनत करेंगे तो होगा। दोस्तों मेहनत कर्म करिए, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो कर्म प्रधान है। अगर हम काम करेंगे सब करेंगे और तब हमें अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो ये जो उपाय हैं टोटके हैं ये हमारे काम आते हैं, हमारे जीवन में कैटलिस्ट का काम करते हैं, हमारी लाइफ को स्पीड अप करते हैं। तो दोस्तों उपाय मैं बता रही हूँ, कर्म आपको करना है और बहाने नहीं चलेंगे कि मैम ये नहीं मिला वो नहीं मिला। जब भी आप तांत्रिक उपाय करते हैं दोस्तों, जो उपाय बताती हूँ जो चीज़ जैसी है वैसी की वैसी करनी होती है, इसमें पूजा पाठ नहीं है। ये पूजा पाठ में आप एक चीज़ कम चढ़ाएंगे भगवान को तो चल जाएगा, लेकिन ये तांत्रिक उपाय में जो चीज़ जितनी चढ़ानी होती है, जिस चीज़ से करने से फल मिलता है वही आपको करना है। तो सोच समझ के करें, बहुत दिमाग लगा के करें कि नहीं मुझे अगर मैं पॉसिबल है आपके लिए तो ही करें दोस्तों। तो चलिए अब बता ही देती हूँ आपको कि काल सर्प दोष, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे काल सर्प दोष के निवारण होते हैं। दोस्तों काल सर्प दोष इस अमावस्या पे आप दूर कर सकते हैं, सुबह स्नान करने के बाद चांदी के एक नाग नागिन छोटे छोटे ले लें, बहुत कम में मिल जाते हैं, आपको किसी भी छोटी मोटी ज्वेलरी शॉप से ले लें नाग नागिन और उसकी पूजा करनी है। सफ़ेद पुष्प चढ़ाना है, कैसे पूजा करनी है, थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें, थोड़ा सा कच्चा जल ले लें, फल फूल धूप दीप से पूजन करें इसका, सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं और फिर इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, आपका काल सर्प दोष से आपको राहत मिलेगी। आप उसके बाद एक लघु रुद्र का पाठ करना है आपको, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी पंडित से करवा लें। ये पाठ हमेशा ध्यान रखे विधि विधान पूर्वक होना चाहिए। पूजन करने के बाद किसी भी गरीब को अपनी शक्ति के अनुसार दान दक्षिणा दें और नाग स्तोत्र का पाठ करें। सुबह नहाने के बाद आपको जो भी शिव मंदिर है उसमें जाना है और शिवलिंग पे भी आप तांबे का नाग चढ़ा सकते हैं। इसके बाद वहां बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से, शिव जी से काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने से बहुत जल्दी ही काल सर्प दोष दूर हो जाता है। 1008 मंत्र करने हैं दोस्तों आपको महामृत्युंजय मंत्र। इसके अलावा भी दोस्तों अमावस्या पर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, पीपल के नीचे दीपक जलाना चाहिए, सफ़ेद फूल बताशे कच्चा दूध चावल मिठाई सफ़ेद कपड़ा आदि भी कहते हैं कि बहते जल में अगर हम प्रवाहित करें तो काल सर्प दोष का शांति होती है। और उसके बाद शेषनाग से, जो विष्णु भगवान जिस पे विराजमान है शेषनाग, उनसे प्रार्थना करें कि हमारी ये इस दोष से हमें मुक्ति दे दीजिए। अब आपको सबसे बहुत वो उपाय बताती हूँ दोस्तों, ध्यान रखें बहुत अच्छे से करना है, अचूक उपाय है ये। सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद भगवान शंकर का आपको ध्यान करना है और काल सर्प दोष यंत्र आता है
दोस्तों जो भी यंत्र बताती हूँ आपको लोकल पूजा शॉप वास्तु शॉप में मिल जाता है, अगर नहीं मिले तो आप ऑनलाइन भी मंगा लें। ऑनलाइन भी आपको ज़्यादा ज्योतिषों की साइट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सस्ते सस्ते आपको ईबे पे, अमेज़न पे, सब जगह मिल जाते हैं, तो आप वो सब जगह से मंगा लें। कालसर्प दोष यंत्र मंगा लें। सुबह नहा धोकर भगवान शंकर का ध्यान करना है, फिर यंत्र का पूजन करना है। सबसे पहले दूध जल से स्नान कराएं, फिर कच्चे दूध से स्नान कराएं, उसके बाद फिर गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल नहीं है तो एक दो ड्रॉप मार्केट से लेके एक दो ड्रॉप पानी में मिला लें, उससे स्नान कराएं। उसके बाद गंध, सफ़ेद पुष्प, धूप दीप आदि से पूजन करें। जो मंत्र बता रही हूँ उस मंत्र की रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है। एक माला का जाप कम से कम करना है, ज़्यादा करें तो वो आपकी खुशी। 108 मंत्र की एक माला होती है। दोस्तों ये करने से आपके कालसर्प यंत्र की पूजा करने से आपका शीघ्र ही आपको कालसर्प दोष से निजात मिलती है। मंत्र है अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपाल धार्त्र राष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानाम च महात्मनाम सायंकाले पठेन नित्यम प्रातः काले विशेषतः तस्मे विषभयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत। दोस्तों ये करने से आपको विजय की प्राप्ति होती है। इसके बाद इस काल सर्प यंत्र को आपको पानी में विसर्जित कर देना है। ध्यान रखें दोस्तों, बहुत सारे उपाय बताए मैंने, बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं और अचूक उपाय हैं, तो इसको करने से दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपकी सारी विपदाएं दूर हो गई है। जिनको शनि का दोष है वो उस दिन शनि देव पर कड़वा तेल, काला उड़द, काला तिल, लोहा, काला कपड़ा, नीला पुष्प चढ़ाकर शनि का मंत्र का जाप करें। एक माला का जाप करना है उनको, इससे शनि का प्रकोप शांत हो जाता है और अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभावों से भी छुटकारा मिल जाता है। मंत्र कौन सा है दोस्तों? ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम नमामि शनेश्वरम। इस मंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों धन लाभ के लिए एक उपाय लास्ट बता रही हूँ आपको। अमावस्या के दिन पीली त्रिकोण आकृति की पताका विष्णु भगवान के मंदिर में ऊंचाई वाले स्थान पर भी लगा सकते हैं, जहाँ ये लगातार लहराती रहती है, तो आपका भाग्य शीघ्र चमक उठेगा। लगातार लाभ हेतु ये ध्यान रहे, ये झंडा उतारना नहीं है, वहीं लगाकर आपको छोड़ देना है। तो दोस्तों आज हमने बात की, ढेरों उपाय की, ढेरों तरीके बताए हैं मैंने आपको। अगर छोटे छोटे उपाय और हैं, 8 बादाम और 8 काजल की डब्बी को काले कपड़े में बांधकर संदूक में रख लें, इससे आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गाय को 5 फल नियम पूर्वक खिलाएं, इससे भी घर में शुभता और हर्ष का वातावरण बना रहता है। अमावस्या के दिन एक सूखा नारियल लेके उसमें छेद करके उसमें चीनी भर दें, महीन चीनी जो आती है, बूरा बोलते हैं, उसको भर दें और किसी निर्जन स्थान पर पेड़ के नीचे जहाँ पे चींटियाँ हों वहाँ पे उसको गाड़ दें। ध्यान रखना है कि नारियल का खुला हिस्सा धरती के ऊपर ही रहे, इसके बाद वापस मुड़ के आपको नहीं देखना है। बहुत ही अमोघ उपाय है दोस्तों, और विपत्तियों से इंसान दूर होता है, सुख समृद्धि हर्ष और यश की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों कर ले ये उपाय, मना ले भगवान को, आपके जीवन की जो भी दोष है उनको दूर कर लें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर लें। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के आप पूछ सकते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें, और फ्रेंड्स से, फैमिली से शेयर करना ना भूलें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। हमें नहीं पता हमारी एक वीडियो किसकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।